सो गाइस वेलकम टू द कवन पार्क कवन पार्क में अभी हम लोग फर्स्ट स्पॉट देखे इवनिंग के टाइम में तो मजा आ जाता है गाइस ये देखिए मेरे पीछे गाइस फाइनली वी आर हियर हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड हम सब भी एकदम मस्त है बढ़िया है अच्छे से है और अब लोग बताइए आप लोग कैसे हो मेरे पुराना सारे ब्लॉग्स देखे हो कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये भी ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा ब्लॉग को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग भी हमारे पैदा बैंगलोर में वीकेंड पे रहते रहते बोर हो चुके हो कहीं पे कोई एक्साइटिंग जगह पे जाना चाहते हो तो हाँ जी आज आप लोग एकदम करेक्ट जगह में आए हो। आज हम लोग जा रहे हैं अनदर वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए बैंगलोर में एंड आज हम लोग जा रहे हैं कवन पार्क। इट्स 3 PM गाइस एंड हम लोग अपने घर से मेट्रो स्टेशन जाएंगे। मेट्रो स्टेशन से कवन पार्क का भी एक मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक जाएंगे। फिलहाल घर से निकल जाते हैं आप लोग तो देख ही रहे हो मैं रेडी हो चुकी हूँ प्यारा प्यारा जो लव सेफ कपिंग इयर रिंग्स है वो भी मैं डाली हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ आज का दिनचर्या शेयर करते हैं। मेरे फ्लैट के सामने फ्रेंड एक बोरवेल बन रहा है और बैंगलोर में बोरवेल बनाने के लिए ऐसे ट्रक आते हैं। कितना ऑटो कितनी देर में आ रहा है? ऑटो आ रहा है। गेट रेडी टू मीट विद कैप्टन दिखा रहा है। चलो Yes, so the journey starts from here. आगे व्लॉग देखते रहिए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए। Guys, हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं मैं और अभिषेक और अभी यहाँ से मेट्रो लेके हम लोग जाएंगे कबन पार्क। ये है हमारा आज का लुक अभिषेक खरीदने गए थे आज टिकट्स मेट्रो के लिए और हम लोग अभी जाएंगे अपना डेस्टिनेशन कवन पार्क के लिए। टिकट हम लोगों को मिल गया है बस अभी यहाँ पे स्कैन हो रहे थे बैग एंड उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे मेट्रो स्टेशन पे। गाइस अब इसको टच करवा के जाना है उस पार अभिषेक कर गए इस हम लोग टिकट ले लिए हैं एंड अभी जाएंगे। तो ये टिकट ऐसे ये है बैंगलोर मेट्रो का टिकट ये अभी जाएंगे कवन पार्क। लग रहा है मेट्रो आ गया है गाइस थोड़ा सा जल्दी करते हैं दौड़ रहा है लग रहा है मेट्रो आ गया है ना गाइस मेट्रो आ गया है इसीलिए दौड़ना सो गाइस हियर इज आवर डेस्टिनेशन हम लोग कवन पार्क मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं एंड अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि कवन पार्क मेट्रो स्टेशन से कवन पार्क की डिस्टेंस कितना है। One eternity later. Friends, ये सीन है कवन पार्क मेट्रो के जस्ट बाहर एंड यहीं से शुरू होता है कवन पार्क मेन गेट का रास्ता। फ्रेंड मेट्रो से उतरते ही भूख लग गया तो हम लोग मोमोज ट्राई करने आए थे एंड पता चला कि चिकन मोमोज नहीं है तो प्लान ड्रॉप हो गया इसलिए हम लोग कॉर्न के स्टॉल पे चले गए। फ्रेंड्स बैंगलोर में ये मसालादार बॉयल्ड कॉर्न हर एक जगह में मिलता है और मेरे को तो लगता है ये कॉर्न का बिजनेस बड़ा सही है। बस इतना सा ग्लास में कॉर्न आप लोगों को 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ में देते हैं। बस कॉर्न लिए और चल दिए कवन पार्क के मेन एंट्रेंस की तरफ। आर यू एक्साइटेड गाइस? सो गाइस वेलकम टू द कवन पार्क फाइनली वी आर हियर एट कवन पार्क। आज आप लोगों को दिखाएंगे कि बैंगलोर का कवन पार्क में क्या क्या है तो हमारे साथ बने रहिए बैंगलोर घूमिए कर्नाटका घूमिए साउथ इंडिया को और एक्सप्लोर करते हैं। और देखिए गाइस कितना हरा भरा एरिया है एकदम इवनिंग के टाइम में तो मज़ा आ जाता है गाइस। मेरे फेस देख के तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कितना हैपनिंग प्लेस है ये।
और अभी सेफ चल रहे हैं मेरे आगे। और यहाँ पे मेरे पतिदेव मेरे को खिला रहे थे कॉर्न, क्योंकि मैं बिजी थी फोन पे। इस समय मेरे हाथ पे कैमरा ऑन ही थी, तो मैंने सोचा इस मोमेंट को भी कैप्चर कर लिया जाए। फ्रेंड अभी इवनिंग के टाइम है, इसलिए इतने सारे लोग हैं आसपास में। सामने दिखाती हूँ गाइस कितने सारे लोग बैठे हैं, एंड हम और अभिषेक भी इंजॉय कर रहे हैं हमारा इवनिंग वॉक। कबन पार्क के शुरू में ट्री हंट का एक बोर्ड था, एंड यहाँ पे ट्रीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक ट्री के ऊपर एक एक कोड लगाया गया था। आप लोगों को दिख सकता है कि एक ग्रीन बैकग्राउंड में एक व्हाइट कलर का कोड लिखा हुआ है हर पेड़ के ऊपर। और फ्रेंड्स मेरे को नेचर के साथ रहना बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर वीकेंड कोशिश करती हूँ ऐसे ही एक हरा भरा जगह को एक्सप्लोर करने का, एंड आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी कबन पार्क के अंदर ही एक हाई कोर्ट है जो है, नहीं है। कबन पार्क के जस्ट बगल में ही है हाई कोर्ट। सो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं वो हाई कोर्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा वो हाई कोर्ट, यस ये रेड बिल्डिंग हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका है। तो सामने चलते हैं, सामने जाके आपको दिखाते हैं। उसके पहले देखिए हाई कोर्ट के दोनों साइड में ही है तो बड़ा बड़ा सा शेर। ये रहा हमारे पीछे ही हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक का, इसलिए तो बंद है ना, लॉक ही होगा ऑब्वियसली। ये अभी लॉक्ड है गाइस, तो हम लोग तो ऑब्वियसली अंदर नहीं जा सकते, तो आप लोगों को बाहर से ही शेयर कर दिए। ये वाला गेट अनऑपरेशनल है, बट पीछे वाली जो है ना आपके फ्रंट गेट दूसरी है, इधर से आप कर्नाटक हाई कोर्ट में आ सकते हैं। ऑब्वियसली ये पार्क साइड में है तो इसको बंद रहना ही पड़ेगा, सारे लोग अंदर चले जाएंगे, इतने सारे लोग हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कबन पार्क का दूसरा साइड को एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स कितने सारे लोग आए हैं इवनिंग टाइम में, एकदम लोगों से भरा हुआ है पार्क। अभिषेक कुछ बोलना चाहते हो? इधर आ जाओ, इधर से लाइट अच्छे आ रहे हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। लोग कबन पार्क आ चुके हैं, और कबन पार्क में अभी हम लोग फर्स्ट स्पॉट देखे हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, एंड अभी नेक्स्ट हम लोग और भी कई सारे यहाँ पे जो है स्पॉट्स हैं, जैसे कि जो है ना आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं वन बाय वन। अभी हम लोग पिकनिक पार्क देख लिए हैं, दूसरा हम लोग कर्नाटका हाई कोर्ट भी देख लिए, अभी नेक्स्ट देखो क्या अनफोल्ड होता है, और आप लोग बने रहिए तब देखेंगे हम लोग। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइस लाइक जरूर करते रहना। यहाँ पे हम सुने हैं गाइस कि एक बोटिंग भी है ना। हाँ। ये एक एक्चुअली बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट है कर्नाटका का। हम लोग तो यहाँ पे पिकनिक करने नहीं आए हैं, बस घूमने आए थे, एरिया को देखने आए थे, थोड़ा इवनिंग वॉक करने आए थे। उसी बहाने जो भी चीज़ हो पा रहा है आप सबके साथ भी शेयर करते रह रही हूँ। ये है गाइस कबन पार्क का अनदर फेमस स्पॉट जो है स्केटिंग जोन। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्केटिंग करने आते हैं। गाइस मैं तो लाइफ में ऐसे फर्स्ट बार किसी को ऐसे लंबा एकदम स्केट करते हुए देख रही हूँ। तो अगर आप स्केटिंग करना चाहते हो, स्केटिंग पे इंटरेस्ट है, तो आप लोग कबन पार्क जरूर विजिट कर सकते हो। और यहाँ देखिए ये भाई साहब को, ये तो बैक स्केटिंग कर रहे हैं, वाह क्या टैलेंट है। एक्चुअली इट्स ट्रीट टू द आईज टू वॉच देम। कमेंट सेक्शन में बताना गाइस आप कभी स्केट किए हो क्या। ये था मेरे पीछे स्केटिंग जोन जो आप लोग देखे, इतने सारे लोग बच्चे भी और बड़े लोग भी स्केट कर रहे थे। मेरे को तो थोड़ा सा डर लगता है भाई स्केटिंग से, आई थिंक सो एज अभिषेक बिकॉज स्केटिंग में बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड बैलेंसिंग में जो है मैं तो जीरो हूँ, बट हाँ शिप्रा पे मेरे को पूरा भरोसा है, शी विल ट्राई देन डेफिनेटली वो कर पाएगी। लेकिन गाइस अभी मेरे को ट्राई नहीं करना था, मेरे को बोटिंग करना था, तो मैं ढूंढ रही हूँ कि बोटिंग वाला एरिया कहाँ पे है। और एक चीज़ गाइस, ये डॉग प्रोन एरिया भी है। देखिए एक डॉग गया, और भी बहुत सारे जो डॉग है उन लोगों को यहाँ पे लाया जाता है, लाइक जो पेट डॉग है लोग यहाँ पे लेके आते हैं। ये मेरे को स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में, लाइक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी कैसे होता है, आइदर सेंट्रल लाइब्रेरी होता है या फिर स्टेट लाइब्रेरी होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। एंड ये यहाँ का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है बेंगलोर में। यस यस, ये एक्चुअली कर्नाटका का भी सबसे बड़ा लाइब्रेरी है ये। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए मेरे पीछे गाइस, इतने हवा है कि मेरे बाल उड़ जा रहे हैं। ये
ये रहा आपका स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, सामने लिखा भी हुआ है गाइस। अगर आप लोग कुबन पार्क आओ, आप लोगों को स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी भी देखने को मिलेंगे एंड साथ ही साथ हाई कोर्ट भी। तभी हम लोग लाइब्रेरी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं लाइब्रेरी इस टाइम खुला है कि नहीं। सो अभी आपका बज रहा है नियर 5:40 बज रहा है गाइस, सॉरी 4:40 बज रहा है, अभिषेक को पता है। तो चलते हैं, देखते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीज़ है। ऑब्वियसली बुक्स होंगे, लेकिन किस टाइप का बुक्स है देखते हैं। यहाँ पे कर्नाटकन लैंग्वेज में है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में है, क्योंकि कर्नाटका लैंग्वेज में होगा गाइस तो फिर तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, इंग्लिश में होंगे तो पढ़ लेंगे, देखते हैं। चलिए लाइब्रेरी का ये रहा आपका मेन एंट्रेंस, चलिए लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं एंड देखते हैं क्या है। ये अभिषेक जा रहा है लाइब्रेरी के अंदर। फ्रेंड्स, लाइब्रेरी के अंदर हर एक जगह में शूट करना मना था, तो बस मैंने छोटा हिस्सा अपना क्लिप थोड़ा सा लिए थे जब मैं बुक्स पढ़ रही थी। हम लोग लगभग 30 मिनट्स लाइब्रेरी में बिताए हैं। थोड़ा थोड़ा सामने ही जो बुक्स मिला, जैसे मैं पढ़ रही थी फूड्स के बारे में, अभिषेक पढ़ रहे थे रिस्क मैनेजमेंट। आपको तो पता ही है अभिषेक MBA किए है, तो उसको मैनेजमेंट का बुक्स पढ़ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे बस मैं थोड़ा मस्ती कर रही थी एंड अपना थोड़ा थोड़ा क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत दिनों बाद, इनफैक्ट लगते हैं कि बहुत सालों बाद पढ़ने बैठे हैं ऐसे चेयर टेबल में। क्लिप्स मैं जब ले रही थी फ्रेंड्स, मेरे को भी पता नहीं था कैसा क्लिप्स आ रहा है, बस मैं कैमरा को स्टैंड बाई मोड में रख दिए थे। बाद में मैंने जब देखा, नोटिस किया, तो बड़ा ही सुंदर सुंदर क्लिप्स आए थे। बस थोड़ी देर लाइब्रेरी में बिताने के बाद हम लोग बाहर आए। जैसे ही बाहर आए, देखिए जस्ट लाइब्रेरी के सामने इतना सुंदर सा प्यारा सा व्यू गाइस, देखिए कितना सुंदर गार्डन है, चारों तरफ एकदम रोज से भरा हुआ है। सेंट्रल लाइब्रेरी हम लोग विजिट कर चुके हैं, अभी सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर जो गार्डन है, देखिए कितने खूबसूरत सा प्यारा सा गार्डन है एंड ऊपर से सनलाइट आ रहा है, एकदम सनकिस्ट फील हो रहा है गाइस। अभिषेक, तुमको कैसा लग रहा है इस गार्डन पे? सो गाइस, ये फ्लावर गार्डन है यही जस्ट सामने एकदम आपके स्टेट लाइब्रेरी के। एंड गुड पार्ट वाज कि मतलब क्या व्यू आया, जैसे ही हम लोग निकले तो इट वाज जस्ट लाइक ऑसम। एंड एक और अच्छा बात था कि हम लोग अंदर जा कर के थोड़ा किताब भी पलटे और पढ़ाई की, जिसका वीडियो शायद जो है चिपका जरूर आपको दिखाएंगे। ओके गाइस, चलो फिर ब्लॉग आगे देखते रहो एंड ब्लॉग को लाइक भी करते रहो। ये फ्रेंड्स, मेरे पीछे कितने सारे रोज के वैरायटीज लगे हुए हैं। मेरा आप 360 डिग्री व्यू, बहुत ही अच्छा एकदम वेदर है यहाँ पे एंड पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। तो अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो आप ये एरिया विजिट कर सकते हो एंड आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि ऐसे और एरियाज आप लोग हमारे वीडियो के थ्रू एक्सप्लोर करें। ऐसे और वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे बनारघट्टा का जो वीडियोस है वो यहाँ पे आ रहा होगा एंड अगर हम आप लोग हमारा लाल बाग का वीडियो एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आ रहा होगा। आप लोग बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हो अगर आपके बच्चे है। यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क है डेडिकेटेडली फॉर चिल्ड्रेन, यहाँ पे एक लॉन टेनिस कोर्ट भी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। आई थिंक आप थोड़ा सा टाइम में तो इसको पूरा नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सारा चीज़ को एंजॉय करने में। अभी हम लोग जा रहे हैं झटपट बोटिंग की तरफ, पता नहीं बोटिंग कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बोटिंग शाम को 5:30 बजे तक ही खुला रहता है। देखते हैं जाकर के, हाथ जोड़ेंगे कि प्लीज़ हमें अलाउ कर दो, बाकी देखते हैं। शाम भी हो गया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के और वीडियोस आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, तो उनको क्लिक कर लीजिए एंड वीडियो एंजॉय कीजिए। बाय बाय।